हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो ये है मॉर्निंग का टाइम और जो मैंने कल कपड़े धोए थे रात को, और ये वही है। और मैंने इससे पहले आपको दिखाई सब्जी जो ये खेत से लेके आए थे, ताज़ी ताज़ी फ्रांस बीन और साग। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये कपड़े धोए थे तो इनको सूखने के लिए डालने गई थी सामने उनकी भैया की छत पे, तो मुझे लगा कि चलो सूख ही जाएंगे टाइम से। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और ये हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ये जो है मूली, मैंने मतलब इन्होंने घिस के रखी हुई थी, और साथ में मैंने इसमें डाल दिए पालक के पत्ते, और इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च और अदरक, और साथ में मैंने काट लिया है प्याज छोटा छोटा, और पत्ते तो मैंने इसमें डाल ही दिए हैं, और साथ में डाल दूँगी मेथी पाउडर गरम मसाला, और साथ में डालूंगी नमक, और जी अजवाइन है थोड़ी सी डाली है मैंने, गरम मसाला डाला है तो आज मैंने जीरा धनिया नहीं डाला पीस के। और यहाँ पे जो हो इन लोगों की चली हुई है, स्टडी टाइम चला हुआ है, एनसीआर आज टेस्ट था, तो इसको मैं बोल रही थी कि साथ साथ टेस्ट की तैयारी भी कर ले। और यहाँ पे बस देखिए, मैं ऐसे इसको फिल करके दो चपातियाँ बना के उसके बीच में भरती हूँ। वैसे तो अगर आप बिना उसके भी बनाओगे तो भी बन जाता है। और यहाँ जो पड़ रही है, डांट पड़ रही है सोनी को, क्योंकि उसको मैंने कुछ काम बोला था, तो बच्चे हैं थोड़ा सा टाल मटोल कर ही देते हैं। और साथ में हैंसी की क्लास चली हुई है, हैंसी को पढ़ा रही हूँ सुबह सुबह। एक्चुअली इसने कल किया नहीं था, तो बस जब पढ़ने को बोला था बोलता मैं थोड़ी टाइम बाद कर लूँगा। तो आप समझ ही सकते हो बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। और ये बन के तैयार हो गया मेरा मूली का परांठा, बस इसको अच्छे से सेक लेंगे और हल्का हल्का तेल लगा देंगे। आज वैसे भी परांठे बहुत टेस्टी बने थे, बहुत टाइम के बाद खाओ तो आपको बड़े ही मतलब टेस्ट जो है वो अलग अलग लगता है आलू के परांठे। एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? तो मैं जा रही हूँ लंच करने, और मौसम का कोई पता नहीं चलता है। रात को इतनी बारिश हुई थी, तूफान था, और अभी देखो ज़रा धूप, ओह बुरी हालत हो गई है। देखना इतनी तेज धूप लगी है, और घर से पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। यहाँ चल रही है हैंसी की क्लास आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो बस ये वही बना के जो भेजना है स्कूल वो सोनी भेज रही है, उसकी फ़ोटो लेगी और फिर भेजेगी। पहुँच गए मेरी घर, देखो आते आते कितनी बुरी हालत हो जाती है, गर्मी से पसीना पसीना हो गया है, बाल देखो कितने वाइट हो गए हैं, बहुत हो गए हैं एक्चुअली, बड़े पहले से हो रहे हैं तो अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। और ये मत सोचना कि एज बहुत ज़्यादा हो गई है, एज कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इन बालों का कुछ नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चों को हो जाते हैं तो। और
मुझे तो आई थिंक प्लस टू से शुरू हो गए थे, दो दो तीन तीन होने शुरू हुए हो जो आप देखो तो अब बहुत हो गए हैं। देखो अगर दिख रहे हो आपको मेरे सिर के ऊपर, मैसेज आ गया मेरे को, PSN का रिचार्ज कराया। हाँ क्या मांग रही है? टिश्यू पेपर। क्या करना टिश्यू पेपर तूने? मुझे क्या बताओ? अरे इस वाले ड्रॉर में है, ये रखे ऊपर। कितने चाहिए? एक। खिलाओ खाना मेरे को, पानी लेना है। आज नहीं लाई हूँ मैं, वो कल तो मेरे पास पड़े हुए थे ना तो दिए थे। क्या आइसक्रीम खानी? तो जो फ्रिज में पड़ी वो खा लेना उधर। क्या ड्राई फ्रूट वाली अच्छी? अरे तो ड्राई फ्रूट वाली बहुत अच्छी होती है। क्या लग रहा है? जोंक जैसा लग रहा है। आराम से पिघलने लग पड़ी थी, बंद कर उसको। क्या हुआ लगी? कैसे दिया? अच्छा झूठ। खेत में क्या करने गया हुआ था तू? खेत में नहीं, खेत में सच सच पत मुंह धोने जाके। क्या बंदर बना हुआ है? जा चल सुधार ले अपनी जाके। मेरे पे जल्दी जा। खुशबू तो मेरे को क्रीम वाली आ रही है। ले के आ जाते तो फिर वापस नहीं जाना था मेरे को है? हाँ नहीं जाओगे, कल ले छुट्टी, कल ले संडे, कल ले संडे। यस मैंने भी बोला ना, मैंने बोला ये धमकियां लड़पड़ा देने भाई, कल भी मुझे धमकी दे रहा था, आज भी मुझे धमकी दे रहा, देखो उसको। क्या आराम से आराम से, क्या करना था? सूख गए सारे कपड़े सोनिए हैं? सब सूख गए थे? ठीक है आराम से, गिराना मत कुछ उधर। देखो भाई हंसी का खजाना निकले ना, अपने पास पैसे हैं रखे हुए, मेरे को बोल रहा है पैसे दो पैसे दो। अच्छा वो तो भूल गया था, कितने लेके जा रहा है दिखा। वो तो वो भी तो है, वो भी मांगेगी फिर। शेयर करके खा लेना। ये वाली नमकीन है देखो, दिख रही है आपको? ये वाली इसमें चावल, चना, मूंगफली, पापड़ी, तो यहाँ पे चल पड़ी है शाम के खाने की तैयारी। और जो है आज मैंने बीन्स बनाई थी तो बीन्स काट रही हूँ मैं यहाँ पे, सारी जो है मैं अच्छे से काट लूँगी इनको बीन्स को। और साथ में मैंने जो काट दिए हैं ये पालक के पत्ते हैं थोड़े से, और थोड़ा सा दूसरा साग है। और अच्छा लगता है अगर आप भी किसी सब्ज़ी में साग डालें ना, बहुत टेस्ट आता है उसका। इसके बाद मैं प्याज छील लूँगी साथ में, प्याज को काट के रख लूँगी अलग से। और साथ में ही जो मैं है लहसुन मेरी जो थी उसको मैं छील के रख लूँगी। और ये थोड़ी सी मिट्टी वाली है तो इसको छील के फिर मैं अच्छे से धो लूँगी।
अभी मैंने इनको सारा जो है अच्छे से करके रख दिया। कटोरी में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर इसकी जो मिट्टी गिरती है ना, फिर वो सारे में बहुत गंदा हो जाता है और साफ करते बहुत वो होती है। इसके बाद मैंने इसको धो के डाल दिया था कुंडी में, और साथ में मैं आलू को छील लूँगी। 3 मैंने आलू भी डाले हैं इसमें, क्योंकि फिर थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा हो जाती है तो चलो सुबह के लिए भी हो ही जाएगी। और कल वैसे भी संडे है, तो अगर इन लोगों ने एग खाना होगा साथ में तो मैं एग बना दूँगी, और कल देखेंगे पराठे शायद ही बनाएं। बस मैं इनमें आलू को पतला पतला लंबा लंबा काट लूँगी, और ये मैंने जो है इसको पीस लिया अच्छे से, साथ में ही तड़का लगा लूँगी। और जीरा अजवाइन डाल लिया मैंने इसमें, और साथ में डालूंगी कड़ी पत्ता, और साथ में ही 2 मैंने साबुत मिर्च डाल दी हैं बीच में काट के, हल्का सा काट के इसको, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट ना इसको भून के, साथ ही प्याज भून लूँगी। और प्याज मैंने इसमें बड़ा बड़ा रखा है, बड़ा बड़ा रखने से क्या होता है ना, कुछ अलग सा ही फ्लेवर आ जाता है। कच्चा कच्चा रखूँगी मैं, ज़्यादा पकाऊँगी नहीं इसको। और साथ में मैंने अपने मसाले डाल लिए हैं, हल्दी नमक और गरम मसाला डाला है, और साथ में ही जो है टमाटर डाल दूँगी ऐसे बड़ा बड़ा काट के। और अगर आप सूखी सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है कि आपको अच्छे से उसको मिक्स करना ही करना है। दाल वगैरह में होता है कि आप मसाले मिक्स करें अच्छे से, तो बस ये मैंने कर लिया है यहाँ पे। और मैं सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और अच्छे से मिक्स करके जो है इसको ढक के रख दूँगी। तो यहाँ लग पड़ी है, मैंने आज सोनी को कहा कि आटा गूंद दे, कल इसने मेरे पास चपाती बना दी थी, आज आटा गूंद दिया और बना दी थी, फिर पूछ रही थी कि कैसी बनी है। तो जी उसके बाद देखो मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और जो कपड़े धोए थे वो वैसे ही ढेर पड़ा हुआ था, फिर ये भी तय करके रखने दे। तो ये सारे जो हैं मैं तय करके रखूँगी, और बीच बीच में क्या हुआ कि एक्चुअली गाने लगाए हुए थे तो मैंने यहाँ फास्ट मोड पे कर दिया है, और जो वॉल्यूम है वो हटा दी है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।